नमस्कार मैं राजी के रसोई में लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई रेस्टोरेंट लेकर आई तो हूँ उम्मीद है कि आप को बहुत पसंद आएगा तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते अपनी रेस्टोरी ये देखिए मैंने आलू उबाल कर रखा था पांच छः आलू हैं छोटे छोटे आलू हैं ग्राम से देखें तो ढाई सौ ग्राम ये है आलू हैं इसको मैंने उबाल कर रखा था पहले से ही थोड़ा ठंडा हो गया फिर इसको मैस करने में आराम मिलेगा गरम-गरम वो नहीं मिश्ता ये देखिए फिर अदरक है और मिर्च है ये लहसन है अब मैं इसको इसमें डालूँगी ये देखिए आप ठीक है तीनों चीज़ हमने डाल दिया और अब इसमें आप कुछ मसाला डालेंगे ये धनिया पत्ता डाल दिया अब कुछ मसाला ये अमचूर पाउडर और ये चाट मसाला है इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे धनिया पाउडर ये जीरा पाउडर नहीं डालेंगे ये काला नमक है ये डाल दिया हमने इसमें अमचूर पाउडर चाट मसाला और काला नमक तीन चीज़ डाला और डालेंगे एक दो चीज़ ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं और ये मिर्च मिर्च तो अपने स्वाद के अनुसार आप तेज़ करना चाहें तो खा सकते हैं तेज़ ये थोड़ा सा सादा नमक डाला हमने जो डेली खाते हैं ना वो नमक है ये मिर्च तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं आप ऐसा कुछ नहीं जितना हमने डाला है उतना ही डालना है आपका जैसा टेस्ट हो नमक और मिर्च का वो डाल लीजिए मिला लीजिए अच्छा लगेगा अच्छा ये देखिए ये हमने आलू को मैश कर दिया इसमें प्याज नहीं डाला था काट कर अलग रखी थी भूल गई थी इसलिए अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ काट कर ना साइड में रख दिया था ध्यान ही नहीं रहा अब डाल रही हूँ मैश करने के बाद और अब इसको अच्छी तरह से प्याज भी डाल करके इसमें मैश कर दूँगी और रख दूँगी इसको बना करके इसे आलू का मसाला ये देखिए रख दिया ना और अब ये जो है ना हमने मैदा लिया है बिल्कुल नई रेसिपी है ऐसा आपने बनाया नहीं होगा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको बहुत ही पसंद आएगा ये देखिए हमने तीन चम्मच इसमें मैदा डाला है और इसमें ये एक चम्मच ना कौन से स्टार्च डालूंगी जो ये होता है ना कॉर्न्स स्टार स्टार्स जो होते हैं वो उसको डालेंगे जो सूप उसमें पड़ते हैं ना मंचूरियन वगैरह में आइए देखिए हमने मिर्च डाला आधा चम्मच फिर आइए हल्दी डाल दिया इसमें नमक नहीं डालूंगी क्योंकि उसमें मैंने मसाला में ना नमक टेस्ट किया था ठीक ही हो गया था अब इसमें डालेंगे तो तेज़ हो जाएगा थोड़ा धनिया पत्ता डाल दिया अब इसको पानी डाल करके पतला पतला सा घोल बना लेंगे ठीक है ये देखिए गोल बन गया हमारा और अब ये मेन चीज है ये हमारे कल रात के ना दो रोटी बच गई थी हमने कहा चले इसी की रेसिपी आप लोगों को नए ढंग से हम आपको बताते हैं बहुत अच्छा बनता है अब मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा ठीक है ये देखिए चार दोन रोटी काट दिया आइए देखो आप इसका ये ना हम आलू ऊपर भरते हैं रोटी में नहीं इसको हमने आलू जब काट रोटी काट दिया ना तो बीच से दो टुकड़ा हो गया अलग अलग मतलब इसके रोटी के बीच में हम आलू ये देखिए दो परत है ना बीच का तो इसके बीच में हम आलू भरेंगे जो मसाला हमने बना कर रखा था ना वो हम इसके बीच में भरेंगे इससे क्या होगा ना कि ये समोसा जैसा इसका टेस्ट आएगा बिल्कुल क्योंकि आटा समोसा हम क्या बनाते हैं आटा को करके कच्चे आटे को काट करके उसको भर करके आलू बनाते हैं तो ये है रोटी बना हुआ है इसको हम बीच में देखिए भर दिया जैसे समोसा भरते है ना ऐसे इसको भर दिया और अब इसको हम चिपका देंगे रोटी चिपक जाएगी समोसा जैसा हो जाएगा का मानिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था लग रहा था समोसा ही है कोई नहीं समझ सकता कि रोटी से बना है ये ठीक है अब ये हमारा सारा रोटी का हमने टुकड़ा भर करके इसको मसाला रख दिया ये जो हमने घोल बना करके रखा था अब ये हमें काम आएगा <laughs> अब इसका काम जरूरत पड़ा अब अब क्या करूंगी कि इसको इसमें रोटी जो का मसाला भर कर हमने समोसा बनाया है ना इस टुकड़े को रोटी को इसमें घोल में डिप करके अब मैं अब इसको डाल दूँगी इसमें तो ये बिल्कुल समोसा जैसे लगेगा और आपको पसंद आएगा आपके बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएंगे पसंद से बड़े भी खाएंगे बच्चे तो क्या बड़े भी खाएंगे बहुत टेस्टी बना था कुरकुरा एकदम लग रहा था समोसा ही है खा रहे हैं क्योंकि कौन सा स्टार डाला है ना इसमें हमने मैदा भी है अंदर आलू है तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था इसलिए आप लोग इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना और हमें बताना आप लोग आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट किया करिए रेसिपी के बारे में तब हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो इसलिए आप लोग ना प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए हाँ यार रेसिपी देखने के लिए ना कि कैसे रेसिपी बनेगी क्या इसका कैसा होगा इसके लिए आप पूरा रेसिपी देखिए बीच में आप छोड़ देंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा लास्ट में कि कैसे बनाना है इसको क्या करना है जब आप बनाने लगेंगे तो फिर ढंग का नहीं बनेगा गड़बड़ हो जाएगा फिर आप कहेंगे कि कैसा बना इसलिए आप लोग ना पूरा रेसिपी देखा करो ताकि पता चले कि कैसे बना ये ठीक है ये देखिए हमारे तो आप लोग से बात करते करते हमारा ये बनकर तैयार हो गया बन गया ना देखिए फटाफट 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 बन गया है अब खाने को मन करेगा लजीब ललचा रही है कि खा ही लें ऐसे खा चुके हैं <laughs> फिर भी मन हो रहा है कि फिर बना कर खा लें हैं ठीक है ये <laughs> ऐसे चीज़ है समोसा जलेबी पकौड़े जितना खाओ उतना ही लगता है कि और खाओ और खाओ अच्छा चलिए हमारा बन गया अभी ये ठीक है अब तो सारा सारा हमने तल दिया इसको तल कर तैयार हो गया अब इसको प्लेटिंग करेंगे सर्व करेंगे सर्व क्या हम ही खाएँगे सर्व करके प्लेट में सजा करके ठीक है ये देखो ये हमने मूली टमाटर और इसके चटनी बनाई थी तो ये हमने रेसिपी आज डाली नहीं क्योंकि बहुत लंबे बेटे हो जाते ना तो इसीलिए हमने इस चटनी की रेसिपी आपको बाद में बता दूंगी आज हमने सोचा रोटी के समोसा ही बताया जाए चटनी तो बाद में बता देंगे तो इसके साथ हम खाएंगे तो आप लोग भी बनाइए खाइए और हमें कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट किया करिए ये देखिए तोड़ के हम तो खाने शुरू कर दिए चटनी के साथ ये देखो तोड़ा हमने आइए खा लिया ठीक <laughs> है तो अच्छा ठीक है तो चलते हैं मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ प्लीज़ कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है नमस्कार